चैनल कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताऊंगी बंजारा मार्केट के बारे में। हम गए थे बंजारा मार्केट जो कि लगती है गुड़गांव सेक्टर 53 में। ये एक रोड साइड मार्केट है जो बंजारे लोग जो होते हैं वो ये मार्केट लगाते हैं और काफ़ी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। काफ़ी जो ग्रोकरी आइटम होते हैं और जो फर्नीचर होता है, जो पुराने ज़माने का जो फर्नीचर होता है और जो होम डेकोर होता है, जो आपको वैरायटी दुकान हर जो शॉप होती है उसको उस पर आपको अलग तरह की वैरायटी देखने को मिलेगी। ये सस्ती भी है और काफ़ी अच्छा आप वहाँ मटीरियल देख सकते हैं होम डेकोर का और किचन का। तो मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने वहाँ से क्या क्या ख़रीदा। पहले आपको दिखाती हूँ, घुमाती हूँ बंजारा मार्केट, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना बंजारा और कि मैंने वहाँ से क्या क्या ख़रीदा है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच चुके हैं बंजारा मार्केट। और ये जो है ये आप देख सकते हैं कि एक रोड साइड ओपन मार्केट है। और ये आप देख सकते हैं कि कितने क्रोकरी के आइटम और फ्लावर पॉट और ये होम डेकोर कितने किस कितनी वैरायटी में और कितने कलरफुल और हर एक कलर में आपको यहाँ क्रोकरी आइटम मिल जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं फर्नीचर जो काफ़ी पुराना और एंटीक लग रहा है। इनका जो ये जो मार्केट है ये ओपन मार्केट है, रोड साइड मार्केट है, इसलिए जो ये फर्नीचर है आपको थोड़ा पुराना और थोड़ा डल नज़र आ रहा होगा। पर ये अगर आपको ये फर्नीचर चाहिए और आप इसे ख़रीदेंगे तो ये आपको अच्छे से इसे पॉलिश करके और अच्छे से इसे मैनेज करके और टचअप करके देंगे। तो अगर आप विंटेज फर्नीचर के शौकीन हैं और अच्छी क्वालिटी में अगर आपको फर्नीचर चाहिए तो आप एक बार बंजारा मार्केट ज़रूर विज़िट करें। और ये जो है ये बालकनी और आउटडोर फर्नीचर जो होता है ये वही फर्नीचर है, देख सकते हैं आप। ये मिरर के फ्रेम्स हैं और छोटे मिरर बड़े मिरर यहाँ आपको हर एक साइज़ में जो है मिरर मिल जाएंगे। ये है एक अलमीरा बुक सेल्फ आप बोल सकते हैं। और ये है आउटडोर कॉफ़ी टेबल बेंच। ये कुछ और क्रोकरी आइटम यहाँ हैं। हर शॉप पर आपको अलग वैरायटी और अलग मटेरियल देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं आउटडोर और बालकनी फर्नीचर। ये आप देख सकते हैं कुछ स्टूल और साइड टेबल रखी हैं, कॉफ़ी टेबल्स। और ये जो है ये जो सेल्फ आपको नज़र आ रही है इसमें आप बुक वगैरह और पॉट वगैरह से आप अपने पसंद के हिसाब से इसे होम डेकोर यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैगज़ीन वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह रखने के लिए कुछ ये टोकरियाँ वगैरह हैं। ये वुडन की ट्रे है, सर्विंग ट्रे, जिन्हें आप पॉलिश करवा सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। वॉल हैंगिंग में आपको काफ़ी वैरायटियाँ यहाँ देखने को मिलेंगी। जैसे आप देख सकती हैं ये वॉल हैंगिंग के कुछ लैंप हैं जिन्हें आप अपने कर्टन के पास या फिर विंडो के पास आप इन्हें हैंग कर सकते हैं।
वॉल डेकोर के लिए ये पीस मुझे काफ़ी पसंद आया था और मैं दोबारा कोशिश करूंगी बंजारा मार्केट जाने की, तो मैं ये ज़रूर खरीदूंगी। ये कुछ टेबल यहाँ रखी है, इनकी जो वुड की जो क्वालिटी थी वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में फर्नीचर यहाँ रखा हुआ था। ये बस ये जो मार्केट है ये ओपन मार्केट है और रोड साइड मार्केट है, इसलिए धूल मिट्टी से थोड़ा जो फर्नीचर है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है, पर अगर आप लेंगे तो ये आपको पॉलिश करके ज़रूर देंगे। ये फिर से कुछ वॉल हैंगिंग वगैरह है और आपको यहाँ मिरर में छोटे बड़े काफ़ी साइज देखने को मिलेंगे और हर फ्रेम का डिज़ाइन जो है वो अलग होगा। ये कुछ फ्लावर पॉट्स जो होते हैं उनके स्टैंड थे, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में थे, देख सकते हैं आप। साइकिल वगैरह इस तरह से काफ़ी स्टैंड यहाँ रखे हुए थे पॉट्स वगैरह के लिए। ये कुछ बार स्टूल वगैरह भी यहाँ पर थे, देख सकते हैं आप। कुछ कुछ चीज़ें जो यहाँ पर थी वह मुझे काफ़ी यूनिक लगी और काफ़ी अच्छी लगी। ये आप देख सकते हैं अपने स्टैंड है जो काफ़ी अच्छा था। ये कुछ वुडन की चेयर्स इनका जो प्राइस है वो ये लोग जो है काफ़ी हाई बोलते हैं, पर अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है और आप कम करवा सकते हैं तो आप इनसे ज़रूर बार्गेनिंग करें और ये आपको उससे आधे प्राइस में आपको ये है जो है सामान दे देंगे। और ये जो कुछ क्रॉकरी आइटम है, मैंने भी यहाँ से कुछ क्रॉकरी आइटम लिया था जो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। धूल मिट्टी की वजह से आपको ये थोड़े गंदे नज़र आ रहे होंगे, पर कुछ नहीं है, सिर्फ मिट्टी इन पर जमी हुई है। साफ़ करने के बाद ये बिल्कुल जो है अच्छे से साफ आपको और बिल्कुल फ्रेश आइटम लगेंगे। और परंतु अगर आप यहाँ से कुछ भी ख़रीदते हैं तो एक बार अच्छे से चेक करके ज़रूर ख़रीदें। और आप देख सकते हैं कि कितने कलरफुल यहाँ पर जो है क्रॉकरी आइटम रखे हुए हैं। आप यहाँ से अपने पसंद के हिसाब से मिसमैच करके भी ही अपना क्रॉकरी सेट तैयार कर सकते हैं, जो कि मार्केट प्राइस से काफ़ी कम में आपको यहाँ एक अच्छा क्रॉकरी सेट जो है वो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस यही था हमारा बंजारा मार्केट का वीडियो, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और मैं इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना बंजारा हॉल कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। सबसे पहले मैंने वहाँ से ख़रीदा था ये 3 पीसीस का एक क्रॉकरी सेट है जो
इतना आप कर सकते हैं। ये थ्री पीसीस का है, ये इसका है, ये इसका बड़ा वाला साइज़ है, ये इससे छोटा और एक इससे छोटा है। उसमें मैंने दही जमाया था तो वो भी फ्रिज में रखा है, तो ये लिया था मैंने 400 का। एक मैंने ये लिया था बाउल, ये उन्होंने मुझे कोट किया था 200 का, जो उन्होंने मुझे बाद में 50 रुपीज़ का दिया था। काफ़ी अच्छा है, जो आपको शोरूम वगैरह और जो आप ये आप अमेज़ोन पर भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राइस में वो बताते हैं, पर ये बंजारा मुझे 50 रुपीज़ का मिला। ये कटोरी उन्होंने मुझे बताई थी 30 रुपीज़ पर पीस के लिए, और पर मैंने ये ली है 10 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से। मैंने ऐसी 6 कटोरियाँ ली हैं, चटनी कटोरी देख सकते हैं ऐसे इसके ऊपर ये बना है डिज़ाइन, ऐसी मैंने 6 कटोरियाँ ली हैं। एक कप, ये भी उन्होंने सेम प्राइस 30 रुपीज़ पर पीस के लिए बताया था, पर मैंने इसे लिया है 10 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से। इसके भी मैंने 6 पीस लिए हैं। इसके बाद मैंने लिया है ये कप, ऐसे मैंने 2 कप लिए हैं, जो मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा है। ये 2 कप देख सकते हैं आप इसकी फिनिशिंग। तो एक मैंने लिया था ये, इस तरह के मैंने 4 पॉट लिए हैं, 4 इस डिज़ाइन में, और टोटल मैंने 8 पॉट्स लिए थे। 2 मैंने ऐसे छोटे पॉट लिए थे और 4 मैंने ऐसे पॉट लिए थे, 2 मैंने दूसरे डिज़ाइन में लिए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इसके ऊपर इस तरह से ये है पिकॉक बना हुआ है, प्रिंट किया हुआ है, और काफ़ी अच्छी इसकी फिनिशिंग है और काफ़ी सुंदर लगते हैं ये रखे हुए। और ये मुझे पड़ा था 100 रुपीज़ ईच, इसका उन्होंने बोला था 1200 उन्होंने मुझे इसका कोट किया था, और बाद में उन्होंने 100 रुपीज़ ईच दिया था। वही है वहाँ बंजारा मार्केट में आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है काफ़ी। और 2 मैंने इस डिज़ाइन में लिए हैं देख सकते हैं आप, इस तरह से इस पर लाइनिंग है। तो ये भी मुझे सेम प्राइस 100 रुपीज़ ईच मिला था मुझे, जिसका भी उन्होंने सेम प्राइस बोला था। तो ये था मेरा बंजारा हॉल, मैंने मार्केट से ये सब कुछ ख़रीदा था बंजारा मार्केट से। आप भी जाकर शॉपिंग कर सकते हैं और बार्गेनिंग कर सकते हैं, जिसकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी हो वही बार्गेनिंग करें। मुझे तो इतनी बार्गेनिंग करनी आती नहीं है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए थे तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना।